किसी भी आम कहानी की तरह ये मेरी कहानी है। मेरा नाम है रोहित। मैं और मेरा बड़ा भाई मिलजुल कर रहते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ खेलते हैं और साथ में काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। मैं अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा भाई दुनिया का सबसे बेस्ट भाई है। मेरा बड़ा भाई मुझे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता है। वो मेरे लिए घोड़ा बनता है। मैं जो भी मांगता हूँ मुझे लाकर देता है। स्कूल में मेरे लिए लोगों से झगड़ा भी करता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मेरा भाई अक्सर ऐसे कंपटीशन करता था जिससे मैं पूरा नहीं कर पाता था और वो फिर मुझ पर हंसता था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन मैं हमेशा उससे कॉम्पीट करता था और ये सोचता था कि एक न एक दिन तो उसे हरा ही दूंगा। और आखिरकार मेरा गुस्सा आड़े आ गया। मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं परमानेंटली ही हरा दूं। और फिर जो मैंने किया उसका पछतावा शायद मुझे 7 जन्मों तक रहने वाला था। उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये मैंने क्या कर दिया है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। उसे मारने के बाद मैं सोचने लगा कि क्या वो मर गया। काश वो मर गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो पिछले 60 सालों से कोमा में इसी हालत में पड़ा हुआ है।